मेरे YouTube चैनल पर शॉपिंग की सहूलत सिर्फ आपके लिए। क्यों ना आज खाने के साथ कुछ मीठा हो जाए। तो मीठा मैं आज बना रही हूँ एक डिफरेंट स्टाइल से दूध दुलारी। तो दूध दुलारी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 100 ग्राम शुगर, 5 अदद सब्ज इलायची, जिसे थोड़ा सा खोल देंगे ताकि इसके दाने दूध में शामिल हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। अब मैंने ली है 2 बड़े चम्मच रंगीन सेवैया, ये भी दूध में शामिल कर देंगे और इन तमाम अज्जा को लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सेवैया पैन के बेस में चिपक न जाए। दूध उबलना शुरू हो गया है, अब हम 5 मिनट इसको मजीद उबालेंगे ताकि सेवैया नरम हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं गलानी वरना ये दूध दुलारी को बहुत थिक कर देंगी। अब वक्त आ गया है इसमें शामिल कर दिया जाए कॉकटेल सिरप, जो कि फ्रूट कॉकटेल टिन में से फ्रूट रिमूव करने के बाद लास्ट में सिरप होता है। इसको मीठे में शामिल करने से बहुत अच्छा जायका आता है। दूध में कॉकटेल सिरप ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट पकाएंगे ताकि सिरप दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये देखें, सेवैया नरम हो गई है। अब हमें चाहिए मैंगो कस्टर्ड लिक्विड, जो इस उबलते हुए दूध में ऐड करना है। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच मैंगो कस्टर्ड पाउडर और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें, मैंगो कस्टर्ड लिक्विड चंद सेकंड्स में ही तैयार हो गया है। अब हम इसको दूध में शामिल करके आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसकी गुठलियां नहीं बने। हम इसमें कस्टर्ड पाउडर की बजाय कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, मगर इसके साथ हमें फूड कलर जैसे पिंक या येलो कलर भी ऐड करने होंगे ताकि दूध दुलारी एक खूबसूरत लुक आ जाए। देखें, अब इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है ये बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। अब इसको डिश आउट करेंगे। हम इसे चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके डिश आउट कर सकते हैं और एक साथ भी डिश में पलट सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है और दूध दुलारी को कभी भी थिक नहीं किया जाता। मौसम की मुनासिबत से दूध दुलारी के लिए भी मैंने बेसिक इंग्रेडिएंट सिलेक्ट किए हैं और इसके साथ टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने किसी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क, खोया, ड्राई फ्रूट्स, और तो और इसमें चमचम और कॉकटेल फ्रूट्स भी मैंने ऑप्शनल रखे हैं। चमचम साइड में रखी है, अगर कोई पसंद करे तो इसके साथ ले सकते हैं, क्योंकि अगर चमचम दूध दुलारी में शामिल कर दी जाए तो वो अपनी मिठास छोड़ देती है, जिसकी वजह से दूध दुलारी हैवी हो जाती है। और कॉकटेल फ्रूट्स भी इसमें ऐड करके पकाने की बजाय ऊपर से स्प्रिंकल किए हैं ताकि अगर कोई खाने में पसंद ना करे तो इनको हटाकर भी सिंपल सी दूध दुलारी के जायके से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।